बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आरा शहर के पूर्वी रेलवे गुमटे स्थित बिजली विभाग के प्रांगण में एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन स्मार्ट मीटर के खिलाफ किया गया। भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले इस धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक राम ने किया। वहीं संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सत्यप्रकाश राय और धन्यवाद ज्ञापन प्रवक्ता डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस से नियुक्त बतौर जिला पर्यवेक्षक ललन यादव उपस्थित रहे। धरना को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने मोदी और नीतीश सरकार पर जमकर बरसे, स्मार्ट मीटर के माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई और जबरन लूटपाट करने के आरोप लगाया। इस धरना कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राम, प्रदेश कांग्रेस से नियुक्त जिला पर्यवेक्षक ललन यादव, शिव कुमार सिंह, सत्यप्रकाश राय, डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी, अशोक यादव, डॉक्टर श्रीधर तिवारी, नागेंद्र मिश्र, बीरेंद्र मिश्र, उपेंद्र सिंह मुखिया, प्रेम प्रकाश पांडे, संतोष पांडे, डॉक्टर श्रीधर तिवारी, जितेंद्र शर्मा, विजेंद्र यादव, मालती पांडे, श्रीकांत बाबा, राकेश त्रिपाठी, पन्नक त्रिपाठी, मनोज कुमार अंजनी, लाल शरण सिंह, तीर्थनाथ दुबे, चिरंजन सिंह, अरविंद सिंह, शिवशंकर चौबे, लाल मोहन सिंह, ललन सिंह, कुशवाहा, कुंती देवी, फुलवंती देवी, चिंता देवी, उर्मिला देवी सहित सैकड़ों कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। स्मार्ट मीटर के खिलाफ आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या कहेंगे? स्मार्ट मीटर के खिलाफ ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और ये राज्यों में हर एक जिले स्तर पर किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर में जो भ्रष्टाचार फैला है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करके गरीबों पे शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जब तक स्मार्ट मीटर हटाया नहीं जाएगा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष करते रहेंगे, ये हम लोग का संकल्प है। जिला प्रशासन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भोजपुर DM ने कहा था कि जो लोग इसका विरोध करेंगे उस पर FIR किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन के जिला पदाधिकारी के महोदय को सीधा संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वो केस करना चाहते हैं तो आज धरना पर बैठे हैं। सर्वप्रथम पहले केस ललन कुमार, पिता श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव, हीरा लाल लेन, लोदीपुर, छज्जूबाग पर केस करके दिखाएं। उनको मैं रूल ऑफ स्कूटी बिजनेस का ज्ञान दे दूंगा जिला पदाधिकारी को। तो ये संदेश आप सीधा उनको पहुंचाइए कि पहला केस थाने में दर्ज करके वो दिखावें, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता पर करेंगे। मैंने एड्रेस और पता उनको बता दिया और मैं उसका निरंतर विरोध करूंगा। जब जब जिला कांग्रेस कमेटी बुलाएगी और मैं आंदोलन में आऊंगा, तो आप थोड़ा सा संदेश अभी उठकर जस्ट बता दीजिए कि वो बैठे हुए हैं, वो मेरा गिरफ्तारी करवा लें तो मैं समझा दूं कि कानून क्या कहता है। बहुत सुंदर। आप आंदोलन चलाए जा रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार के कानून अभी तक नहीं बना है, क्या इस धरना के माध्यम से? सरकार मोटी रकम गरीबों का चूस ली है और आगे भी चूसने की प्रक्रिया में है, तो इतना जल्दी थोड़े झुकेगी। आम जनमानस सब रोड पर उतरने के उतारू है। आपने सुना, दर्जनों लोगों ने, पीड़ित लोगों ने अपनी बात को रखा कि किस तरह से उनको दोहन किया गया है। तो हम लोगों ने, जब तक सरकार नहीं झुकेगी ये कांग्रेस का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, निश्चित रूप से आंदोलन होते रहेगी। सरकार जाएगी जाएगी जाएगी। अखिलेश प्रसाद सिंह जी के आदेशानुसार हमारे प्रभारी मोहन प्रकाश जी के निर्देश पे कि हम लोगों को जो जनता के ऊपर बलपूर्वक अधिकारियों के द्वारा गरीब गुरुओं के झोपड़ी तक स्मार्ट मीटर लगाकर और उन्हें डरा धमकाकर जो स्मार्ट मीटर लगाने के काम किया जा रहा है, अगर उनके द्वारा स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाता है तो FIR कर धमकी देकर पुलिसिया जुल्म करकर स्मार्ट मीटर सभी लोगों पर थोपा जा रहा है। स्मार्ट मीटर का जो लोगों के बीच भय पैदा किया गया है, हमारे प्रभारी महोदय जी इसके लिए हमारे भोजपुर के DM साहब ने प्रेस वार्ता करके भोजपुर वासियों को, गरीब गुरबा को, मध्यम परिवारों को धमकाने के काम किया।
भरने का काम करेंगे और जेल तक भरने का हम लोग काम करने का काम करेंगे। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम आवाम की है, गरीबों की है। जो गरीब पर जुल्म किया जा रहा है स्मार्ट मीटर के माध्यम से, जिस तरह से पहले जियो हुआ करता था फ्री में बांटा गया और आज सारे लोगों पर थोपा जा रहा है, जियो को थोप दिया गया, आदत लगा दिया गया, उसी तरह से हमारे गरीब के बीच में, गरीब के झोपड़ी तक मोहल्लों के स्मार्ट मीटर से आप रिचार्ज करते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब उनका खपत हो गया, वो बिजली बढ़े या नहीं बढ़े उनका मीटर और पैसा जुल करने का काम जो हमारे गरीबों के बीच में किया जाता है। हमारे बड़े भाई अमित त्रिवेदी जी ने बताया किस तरह से जुल्म किया जा रहा है हमारे लोगों पे, किस तरह से धन भेज जा रहा है हमारे लोगों पे FIR के माध्यम से। इसके खिलाफ में हमारे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ने की काम रोड विधानसभा के अंदर और संसद में भी हमारे जो नेता है, हमारे सम्मान नेता है राहुल गांधी जी लड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सिखाया है कि हम कांग्रेस कार्यकर्ता बपर सर है, हम लोग किसी के जुल्म से, पुलिस के भय से, FIR से और जेल जाने से डरने वालों नहीं है। हम लोग जेल भरने का भी काम करेंगे स्मार्ट मीटर के खिलाफ में। बिहार में देखा जा रहा है कि कभी लोकसभा में हमारे सांसद को आवाज उठाना पड़ रहा है कि 1700 के जगह 17 लाख का किसी का बिल आ जा रहा है, 17000 का बिल आ जा रहा है, 1,70,000 का बिल आ जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो मीटर नहीं लगाए उस पर FIR कीजिए और अधिकारियों को तैनात कीजिए कि जो लोगों के शिकायतों को दूर करे। मैं पूछना चाहता हूं इस सूबे का मुख्यमंत्री जिसको यह कहना पड़ता है अपने अधिकारियों से कि हमारा यह काम कर दिए, कहे तो मैं आपका पैर पकड़ लेता हूं। जब यहाँ का मुख्यमंत्री अपने अधिकारी का पैर पकड़ने के लिए तैनात है अपना काम कराने के लिए, तो आम जनता का काम कौन अधिकारी सुनने वाला है? चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ लगा हुआ शिकायत का टेलीफोन आप लगा के कंप्लेन पे देख लीजिए, आप 100 बार कीजिएगा तो शायद 1 बार कोई फोन उठा ले। फोन उठा कर ये लोग रख देते हैं, पता नहीं क्या करते, कोई सुनने वाला नहीं, सारे लोग परेशान है। 2014 के बाद इस देश में एक नई प्रवृत्ति ने स्थान ले लिया है, जबरदस्ती अपनी मर्मी थोपने का, जिसके मन में, जिस नेता प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिसके दिल में जो आ जाता है उसे नियम बना देता है, जनता पर थोप दे रहा है, कहता है कि अनिवार्य है, नहीं कीजिएगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। कोरोना में आपने देखा होगा कि जब सुई लेने की बात हुई, जबरदस्ती इंजेक्शन लेना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ताकि सारे लोग जो सुई ले हमारा फोटो देख ले, सर्टिफिकेट पर अपना फोटो लगवा दिया। बिना सुई लिए आप लोग ट्रेन में जा सकते थे, न हवाई जहाज से जा सकते थे, ना आप कार से कहीं जा सकते थे, न पैदल न एडमिट थे। नतीजा क्या हुआ? आज जब WHO ने उस पर रिसर्च किया और बताया कि मानव जीवन के लिए ये सबसे ज्यादा हानिकारक है और इसका साइड इफेक्ट होकर रहेगा, और आज हम लोग देख रहे हैं कि हजारों नौजवान 30 साल 32 साल 19 साल अचानक से गिर रहे हैं और मर जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक है, ये उसी सुई का इफेक्ट है कि जिससे लाखों लोग आज मर रहे हैं। अपना फोटो हटवा दिया, क्यों फोटो हटवा दिया? यही बात आज स्मार्ट मीटर के रूप में भी आ रहा है सामने। जब काला मीटर था तो आपने हटा के इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगवा दिया। आप साबित कीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर गलत है और जनता जो पैसा आज तक दे रही थी वो गलत था। आपको यह साबित करना होगा आखिर क्या उचित है कि काला मीटर हटाए फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए और फिर आप कह रहे कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे। सीधा सीधा मतलब है अरबों रुपए का घूस खाने का काम आप और ऊपर के लोग कर रहे हैं। जो बड़े बड़े ठेकेदार है, सप्लायर है, अपने अपने प्रोडक्ट को लाते हैं और आपको देते हैं और कहते हैं इसको चला दीजिए, इसके बदले में इतने करोड़ इतने 1000 रुपए आपको दिए जाएंगे।
इस प्रक्रिया को बदलना होगा। और आप जान लीजिए, कांग्रेस देश में जब भी किसी कोने में जनता पे जब अत्याचार होता है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी कूदती है। और हमारे बिहार में आंदोलन का यह 8वां महीना है और इसको अंजाम पे पहुंचाए बिना कोई भी कांग्रेसी चैन से नहीं बैठेगा। ये जनता के हित का मामला है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। और आप लोगों को तो लाज शर्म भी नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी भी किया कि क्यों जबरदस्ती करते हो, जो लोग शिक्षा का लगाए उन्हें लगाओ, लेकिन आप लोग पे असर नहीं है। कम से कम इस देश पे 1,00,000 पैयार, अगर आप कहते के पैयार करेंगे, हर जनता पे पैयार करेगी और लाखों पैयार आपके खिलाफ हम लोग कराएंगे। पार्टी ने इसके लिए कमर कस लिया और प्रतिबद्ध है। या तो आपको स्मार्ट मीटर का यह फैसला वापस लेना होगा, नहीं तो 8 तार की लड़ने के लिए आप भी तैयार रहिए, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। धन्यवाद।